अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूँ आपका दोस्त एहतजाज हसन। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो आगे हम आपके बिलाल ऐसे नहीं करते इंट्रो, ऐसे नहीं कर, ये मेरी जगह पर बैठ गया और मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा। ऐसे इंट्रो नहीं करते, अभी इंट्रो मैं करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एहतजाज हसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यार मुझे काफी ज्यादा भाइयों ने एसएमएस किया था और कमेंट्स भी करते कि ऐसे भाई आप हेडफोन्स वाली वीडियो लेकर आए। तो आज मैं आप लोगों के लिए हेडफोन्स लेकर आया हूँ, और एक नहीं लेकर आया, काफी ज्यादा लेकर आया हूँ। और ये दूसरा हेडफोन भी आ गया, और ये आ गया हेडफोन एक और काफी ज्यादा हेडफोन्स हैं। खैर हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके यहाँ पर रिव्यू करेंगे। प्राइजेस की बात जो है ना वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ एक और मेहमान भी है जो हमारे साथ वीडियो में होंगे। तो जल्दी से मैं सारे हेडफोन्स यहाँ के ला के रखता हूँ। प्राइस की बात और आप उसको कैसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो लास्ट में बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल। इनका भी व्लॉगिंग का चैनल है और ये काफी ज्यादा जो है ना अच्छी वीडियोस बनाते हैं। खैर आज हम लोग लेकर आए सारे हेडफोन्स की दीवार हम लोगों ने यहाँ पे खड़ी कर दी। तो आज की वीडियो में मैं और बिलाल इसको चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा हेडफोन आप लोग के लिए अच्छा होने वाला है, और प्राइजेस जो है वो लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इनके नाम के साथ डाल दूंगा। तो जल्दी से हम लोग अपने हेडफोन जा लाते हैं और उनको जल्दी से टेस्ट आउट करते हैं। यार पहले नंबर पर जो हमारे पास हेडफोन आते हैं वो आते हैं ओनिकुमा X9, इसका मॉडल है। इसको जल्दी से अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है। मैं अनबॉक्स करूंगा आज। अच्छा ये ले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अनबॉक्स तो बिलाल इसको अनबॉक्स करेगा और देखते हैं कि इसकी जो साउंड वगैरह वो कैसे निकल के आती है। नहीं शुभ हाथों से इसे हम करेंगे अनबॉक्स आज। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक अदद शॉपर। मतलब आपको मत सिखा, चल इतनी जल्दी हम लोगों ने अनबॉक्स कर लिया ना तो वीडियो 50 मिनट में पहुंच जानी है। तो यार ओनिकुमा का जो हेडफोन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, और अगर ग्रिप की बात करें तो आज बिलाल पहन के हमें दिखाएगा, मैं आपको इसके ना सर के ऊपर पहने में सारी आपको बताऊंगा। अच्छा कुछ इस तरह का हेडफोन आता है, और आगे इसको माइक भी लगा हुआ है, आप इससे माइक पे बातें भी कर सकते हैं। और अच्छा कन्वर्टर भी उन्होंने साथ दिया हुआ है, लेकिन अभी लगा के चेक कर लेते हैं। बिलाल से पूछेंगे बिलाल आपको इसका साउंड कैसा लगा। तो ये लाइटिंग वाला भी है। अच्छा बिलाल आप अपना मुंह उधर करो ना, उनको दिखाओ के लाइटिंग कैसी है। अबे ऐसे नहीं करना, ऐसे ये देखो जी यहाँ पर ना इसके ये सारी लाइटिंग है और माइक के ऊपर लाइटिंग आ रही है। खैर मैं जल्दी से यहाँ पे सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। ये तो बड़े मजे के, ये तो बंदा पहन के सो भी सकता है। कंट्रोल कंट्रोल, हाँ वाकई में गाना लगा। घर वालों की सुबह सुबह गालियां नहीं सुनाई देंगी? गालियां हमें वैसे भी नहीं कोई देता। ओह माय गॉड, हाँ जी बिलाल साउंड कैसा आ रहा है, साउंड कैसा आ रहा है? इसको आवाज ही नहीं आ रही। चलो बिलाल से पूछते हैं कि इसका साउंड कैसा। तो बिलाल इसके अंदर बेस और साउंड का क्या हिसाब है? बहुत मजे की यार, साउंड क्वालिटी तो बहुत मजे की है। बेस भी इक्वल है और इसकी जो टेरिबल होती है वो भी इक्वल है, बिल्कुल बहुत मजे की साउंड है इसकी। अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे राइट लेफ्ट भी लगा लेते ताकि हमें पता चले कि कौन सा हेडफोन हमें राइट लेफ्ट भी गेम के लिए जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। यस, ताकि हमें उसका भी कंफर्म हो जाए। राइट लेफ्ट है अभी, लेफ्ट लेफ्ट साउंड आ रही। तो यार ये ओनिकुमा X9 हेडफोन्स हैं और इनके अंदर राइट लेफ्ट भी देखने के लिए मिलती है, बेस भी है और इसका साउंड भी काफी ज्यादा ऊंचा है। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। तो यार जो दूसरे नंबर पे आ गया है वो है हमारे पास ओनिकुमा का K2। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको अब इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ ना। ये अनबॉक्स करके दिखाने में हमारी वीडियो जो है ना वो निकलेगी। आप बॉक्स को देखो बस। ओके यार, तो जो K2 मॉडल है ना ये हमारे पास काफी ज्यादा सेल होने वाला मॉडल है, और इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा कमाल का है। और यहाँ पर ना इन्होंने ओनिकुमा का जो ब्रांड है वो भी दिया हुआ है। माइक इसका ऐसे है और ये देखने में तो आपको गेमिंग माउस लगता है और गेमिंग हेडफोन लगता है। और यहाँ पर इन्होंने ओनिकुमा का जो एक माइक है और आवाज खोलने वाला है वो वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त लगता है। और जो इसकी वायर है ना वो काफी तगड़ी वायर है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाली। तो जल्दी से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। बिलाल आप उसको अपने सर के साथ कनेक्ट कर लो। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ताकि फिर हम लोग साउंड भी सुन सकें और राइट लेफ्ट भी देख सकें इसका। थोड़ा सा ओपन करेंगे हम ऐसे। ठीक है ठीक है, वो हमें पता है, बस आप पहन के हमें उसका रिव्यू दो। चलो
पहले राइट लेफ्ट चेक करें हम लोग वाल। बहुत साउंड है, साउंड बहुत ज्यादा है उसका जी, बिलाल कह रहे। इसको हम पॉज कर लेते हैं, एक दो गाना भी प्ले कर लेते हैं जी बिलाल। अच्छा लाइट्स वगैरह भी मैंने दिखानी है ना, तुम मुझे उतार के दिखाओ, ऐसे में चेक करवा दूं। तो यार यहाँ पर ना इसकी लाइट्स भी आ रही हैं, साउंड के बारे में हम बिलाल से पूछते हैं। तो बिलाल कैसा साउंड है इसका? साउंड इसकी भी, इसकी बहुत अच्छी साउंड है और इसकी नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। नॉइस कैंसिलेशन कैसे चेक किया हमने, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा ये लगाने से आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा मतलब कि वो, लेकिन आपकी आवाज बाहर आ रही थी मुझे, जो भी आप सुन रहे थे तो आवाज थोड़ी सी बाहर आती है। आपको कैसे आएगी, आपने तो लगाई हुई है ना, आवाज बाहर आ रही है, लेकिन ये कि इसके जो साउंड था ना वो बहुत अच्छा था, बाहर तक सुनाई दे रहा था कि आप क्या सुन रहे हो। प्लस माइक की सपोर्ट मिल जाती है और अच्छा डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये वाला भी मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा है। तो यार थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो ये इक्सा कंपनी की तरफ से आता है, T8 गेमिंग हेडफोन नाम है इसका, और इसको मैं जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूं। और जो गेमर्स हैं उनके लिए तो बहुत मजे की चीज होने वाली है, अभी हमने चेक ही नहीं किया तो मजे की चीज कैसे होगी। अच्छा ये ना थोड़ा सा साइज में ना थोड़ा सा छोटा है लाल, आप उसको चेक करो, मैं ये देखता हूँ। और इसका एक पेपर गाइड आई है जिसके अंदर आपको कनेक्टर भी एक मिल जाता है, जो कि आप अपने मोबाइल के अलावा लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें एक ये चीज अच्छी है कि आपको एक मिल जाता है टाइप ए की पोर्ट और एक मिल जाती है 3.5 mm जैक, तो ये आप अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये होगा कि आपको जो लाइटिंग है ना वो नहीं मिलती है। इसको मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ, तब तक लाइटिंग के बारे में बिलाल आप दिखाओ कि लाइटिंग कैसी है। और ऐसे लाइटिंग दिखानी है, उनको डराना नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा। ये उतार के दिखाओ, मैं दिखाता हूं, टक्कर मार रहा हूं। इसकी लाइटिंग बहुत जबरदस्त है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि यार इसकी लाइटिंग कितनी ज्यादा कमाल की निकल के आती है। यहाँ पे इक्सा कंपनी का ब्रांड भी दिया हुआ है, अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एल और आर दिया हुआ है, यानी कि राइट और लेफ्ट जो है वो अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी आपको साउंड में लेफ्ट और राइट प्रोवाइड करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बिलाल को गाना कोई और सुना देता हूँ, बिलाल के क्या उस टाइम से ही मुझे एक ही गाना सुना रहा है, तो साउंड हम चेक कर लेते हैं इसका। तो भाई साउंड बिलाल को जो है ना वो पसंद आ रहा है, अभी तक मैंने कोई साउंड नहीं सुना। राइट और लेफ्ट भी चेक करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये वाला भी कामयाब हो गया है। इसके ऊपर आपको लेफ्ट राइट की सपोर्ट देखने के लिए मिलती है। साउंड कैसा रहा, बेस वगैरह? साउंड बेस भी बहुत अच्छी है, बेस भी इसकी काफी। अगर गेमिंग के लिए खेलना चाहे तो यस हो सकता है। उसके अलावा इसकी वायर के अंदर आपको यहाँ पर म्यूट और नोटिफिकेशन और आवाज खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगती है कि वो एक अलहदा से इन्होंने दिया हुआ है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर आपको इक्सा की ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो यार फोर नंबर पे जो हमारे पास हेडफोन आता है ये इयोनो कंपनी की तरफ से आता है, E400 इसका मॉडल है, और भाई ये आपके भाई को ना बहुत पसंद है। इसकी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है और इसके अंदर जो आपको एसेसरीज मिलती है ना, जैसे इसका माइक है, जैसे हेडफोन है, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। और ये बिलाल आप देखो, अनबॉक्स करने के साथ ना यहाँ पर आपको इसका माइक और आपको एक कनेक्टर मिल जाता है। माइक की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप इसको यहाँ से अपने मुंह की तरफ भी ला सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छी बात कि आपको जो इसका डिजाइन है ना वो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये जितने भी मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं हमें अच्छा हेडफोन चाहिए, तो उनको मैं ये वाला हेडफोन दे देता हूँ, क्योंकि इसका शशका भी बहुत ज्यादा है। अब बिलाल इसका शशका चेक करो सिर्फ, आप लाइट चेक करें, इसकी लाइट जो है ना बहुत कमाल की है। तो ऊपर इयोनो की ब्रांडिंग है और ये वेयर करने में बड़ा मजा आता है, मतलब आसान सा है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है जहां से आप अपनी आवाज को फुल कर सकते हैं और माइक को म्यूट कर सकते हैं। चलो बिलाल तो टेस्ट आउट करते हैं इसको, इसका साउंड जो है वो कैसा। पहले हम राइट लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट साउंड मतलब ठीक आ रहा है, राइट लेफ्ट ठीक है, ओके जी। थोड़ा सा हम लोग साउंड कहने लगा रहा, साउंड भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके। तो आवाज बिलाल की इसकी पसंद आई है। और एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया कि यहाँ पर ना इसके आप अपना माइक इधर लगा सकते हैं, यहाँ पर जगह बनी हुई है, तो ये वाले जो हेडफोन है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो यार फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास हेडफोन आ जाते हैं ये जिदली कंपनी की तरफ से आते हैं, L5 Pro है। और अभी तक मैंने इसका साउंड चेक नहीं किया, लेकिन जो इसका डिजाइन था ना वो एक सही गेमर्स की तरह था। इसको मैं जल्दी से ओपन करता हूँ, ओपन करके हेडफोन को हम निकाल लेते हैं
और बॉक्स जो है वो बिलाल के हाथ में पकड़ा देते हैं एज यूजुअल जैसे हम पकड़ाते हैं। और भाई सबसे पहले ना अगर आप इसकी ये टाइप ए की पोर्ट देखो तो यार ये बहुत तगड़ी है, और वायर जो है ना वायर ऐसी कि जब घर में आप बहुत देर तक गेम खेल रहे हो ना तो जब अब्बू आते हैं वो कोई एक तार ढूंढते हैं आपको मारने के लिए, तो जस्ट ये वही तार है जिससे आपको सही कुट पड़ सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन और वॉल्यूम अप का बटन जो है मिल जाता है। अभी मैं इसको प्लग करके देखता हूँ कि ये कैसी लाइटिंग्स वगैरह हमें प्रोवाइड करता है। ओके तो ओ माय गॉड यार आप चेक करो ये है, और सबसे मजे की बात कि माइक के अंदर भी ये आ रहा है, और ये चेक करो। तो बिलाल को देते हैं, बिलाल टेस्ट आउट करो इसको और सॉन्ग में यहाँ पर प्ले करता हूँ। ओके तो बिलाल आवाज कैसी है इसकी? आवाज इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस भी बहुत अच्छी है, ठीक है, राइट लेफ्ट भी है, राइट है। लो जी तो इसको भी आप गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो, उसका जो साउंड है वो काफी ज्यादा कमाल का है। यस तो यार छठे नंबर पे जो हमारे पास आ गया ये है E1 सीरीज G1 G1 सीरीज। ये लड़का 3 दफा रीटेक कर चुका है, तो खैर इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। नाम वगैरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसलिए नाम का इतना मसला नहीं होता। तो कुछ एक बॉक्स के अंदर से दूसरा बॉक्स निकला है और उसके अंदर से निकला है हेडफोन। और भाई साहब अगर इसकी बात करें तो ये सारे गर्मियों, इनको गर्मी नहीं लगती होगी, ये इतना लिपटे हुए आ रहे हैं, सर्दियों से पैक हुए होंगे। अच्छा अच्छा सर्दियों में पैक नहीं होंगे, गर्मियों में खुले होंगे। ओके जी तो यार अगर हेडफोन्स की बात करें तो माइक इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर आपको दो वायर्स मिलती हैं, लेकिन ये अब जो हो गया ना इसके साथ आपको एक कन्वर्टर मिल जाता है, इसके साथ नहीं आया। लेकिन बिलाल को कहते हैं, बिलाल लगा के चेक करते हैं। लाइटिंग वगैरह मेरा ख्याल है इसमें नहीं है, लेकिन साउंड हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपको राइट लेफ्ट प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता ये करता होगा, कर रहा राइट लेफ्ट? ओ तो ये राइट लेफ्ट प्रोवाइड करता है। सॉन्ग भी जल्दी से हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। ओके जी तो इसका भी जो साउंड है वो मुझे बाहर तक सुनाई दे रहा है, और फील हो रहा है कि यार बेसी साउंड है, तो साउंड इसका काफी ज्यादा कमाल का है। तो यार 7 नंबर पे जो हमारे पास हेडफोन आता है ये जिदली L5 प्रो का छोटा भाई जिदली L4 प्रो है। तो डिजाइन इसका भी ऊपर से देखने में काफी ज्यादा कमाल का, इसको मैं जल्दी से अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्स करके देखते हैं कि यार इसका डिजाइन हमें कैसा देखने के लिए मिलता है। तो एक अंदर पेपर गाइड भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि मुझे लगता है आज की सदी में कोई पढ़ता होगा और जरूरत भी नहीं पड़ती मेरे ख्याल में। और अगर बात करें भाई इसकी वायर की, तो भाई इसकी वायर भी काफी ज्यादा मोटी है, और L4 L5 Pro की तरह इसको मैं जल्दी से यहां से खोल लेता हूं और फिर हम इसकी लाइटिंग वगैरह चेक करेंगे। डिजाइन इसका काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे यहां पर ना कहीं पे वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा। अच्छा मिल रहा है, और यहां पर इन्होंने कोई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया हुआ है। अच्छा माइक म्यूट का ऑप्शन है यहां पर, और यहां पे आवाज को कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। तो जल्दी से मैं इसको कनेक्ट पहले कर लेता हूं, लाइट्स वगैरह भी आपको चेक करवा देते हैं। और भाई ये जिदली L5 Pro से थोड़ा सा मजे का है, लेकिन इसके राउंड अबाउट भी लाइट्स वगैरह है, और माइक के ऊपर जो है ना वो आपको वहां पर भी एक लाइट देखने के लिए मिल रही है। इसको मैं ऊपर जल्दी से सॉन्ग को प्ले करता हूं ताकि हमें पता चल सके कि इसका साउंड कैसा है। इसकी आवाज वगैरह भी यहां से खुलती है, अच्छा फुल है। और अगर हेडफोन पे हाथ रखूं तो बेसी बेसी हेडफोन जो है ना वो दे रहा है। अब हम राइट लेफ्ट भी चेक कर लेते हैं। ओके तो ये आपको राइट लेफ्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ये आपको अच्छा साउंड भी प्रोवाइड कर रहा है। गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको? जी जी लेफ्ट राइट इसकी बहुत अच्छी है, चलो गेमिंग के लिए परफेक्ट। तो यार 8 नंबर पे जो हमारे पास हेडफोन आता है वो आता है ये HP की तरफ से गेमिंग हेडसेट H220GS। इसका मॉडल है, जितना लंबा इसका मॉडल है क्या देखेंगे उतना ही लंबा इसका साउंड है या नहीं। तो जल्दी से इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, और अनबॉक्स करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है मौसम की खराबी की वजह से। और भाई एक पेपर गाइड इसके अंदर पड़ा है, लेकिन वो आपको पता है मैं नहीं देखता। और ये भी कुछ अच्छे डिजाइन के साथ आ रहा है, डिजाइन तो इसका देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। और इसके अंदर भी आपको एक म्यूट और वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। लगा के चेक करते हैं कि लाइटिंग ये हमें किधर प्रोवाइड करता है, क्योंकि लाइटिंग मैं देखना चाह रहा था इसकी। और वाकई में जिसको डिसेंट हैंडसेट चाहिए ना कि वो हेडफोन कानों के साथ लगाया हो उसने, तो यार ये कुछ डिसेंट हेडफोन्स में है। बाकी माइक भी इसका आ गया, लेकिन माइक के अंदर आपको वायर नहीं मिलती। बिलाल जल्दी से लगा लेते हैं, हम इसका साउंड चेक कर लेते हैं। और प्राइस भी बड़ी अच्छी होने वाली है इसकी, तो जल्दी से अब हम लोग चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला।
तो भाई 9 नंबर पे जो हमारे पास हेडफोन आता है ये एस टेक वालों की तरफ से आता है। मॉडल इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, सुपर बेस एचडी गेमिंग हेडफोन लिखा हुआ है। तो एचडी गेमिंग हेडफोन मेरा है, इसके अंदर छोटी सी स्क्रीन भी हमें मिलने वाली है। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो भाई कन्वर्टर इसके अंदर मिल जाता है, पहले मैं आपको कन्वर्टर दिखा देता हूँ। ये 2-in-1 कन्वर्टर है, यानी कि आप अपने पीसी के साथ इसको लगा सकते हैं। वैसे इसके अंदर 1-in-1 होगा, यानी कि मोबाइल के साथ भी चला सकते हैं, पर ये मोबाइल सर आपको लाइटिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जल्दी से हम लोग चेक करते हैं। बिलाल आप शॉपर पकड़ो और इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ना मुझे लाइट क्वालिटी में लग रहा है, लेकिन साउंड पे हम लोग चेक करेंगे, क्वालिटी पे नहीं जाते। तो लाइट मेरे ख्याल है इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये विदाउट लाइट है। और बिलाल चेक करो, आवाज पूरी खोलना, फिर पता चलेगा। ओके जी शुरू करें। yes. तो चलिए शुरू करते हैं। ओके okay, तो इसका भी साउंड जबरदस्त है, बिलाल कह रहा है। राइट लेफ्ट है, तो यार ये भी बहुत ज्यादा कमाल का कि सारे ही आज आपको राइट लेफ्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यार फाइनल और 10 नंबर पे जो हमारे पास हेडफोन आता है ये आता है G2000। इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसकी पैकिंग काफी कमाल की हुई थी, खोदा पार निकला, चूहे वाला हिसाब हुआ है। मैंने कहा इतना बड़ा हेडफोन होगा, लेकिन जो इसके साथ कन्वर्टर दिया हुआ है उसकी क्वालिटी जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा कमाल की देखने के लिए मिल रही है। और भाई एक में दो कन्वर्टर आ गए, ये एक मेरा ये है आप लोगों का। तो खैर इसको उतार लेते हैं, चेक करते हैं। लाइट्स वगैरह मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर लाइटिंग वाला ऑप्शन नहीं है। तो जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, इसका साउंड चेक कर लेते हैं कि साउंड कैसा देखने के लिए मिलता है। पहले हम लोग राइट लेफ्ट चेक करेंगे। ओके माइक भी बाहर आ जाता है ना, माइक भी निकाल लो उसका। ये देखो, तो यार गेमिंग के लिए बेस्ट है, मुंह के आगे ही माइक आ जाएगा। लेफ्ट राइट इसका बहुत अच्छा है। ओके तो यार साउंड में भी ये कामयाब हो गया मेरे ख्याल में, और हेडफोन दोनों चीजों में कामयाब है, बेस है गेमिंग सब के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यार ये 10 किस्म के हेडफोन्स में आप लोगों के लेकर आया था, और मेरे ख्याल में ये सारे अंडर 2500 होंगे या अंडर 3000 होंगे। प्राइस जो है ना वो मुझे इसकी अभी याद नहीं है, मैं नीचे इनकी नाम के साथ आगे इनकी प्राइस लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आके आप लोग देख लेना। डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपको 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और आपको ये ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं पर भी मैं डिलीवर करवा दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने ऑर्डर बुक करवाना है तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम के अंदर आके आप इसको ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और जो भी प्राइजेस मैं लिखूंगा ये सिर्फ और सिर्फ इस जून के मंथ की होगी, और ये थोड़े ही पीस क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है। जून का मंथ जैसे खत्म होगा इसकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। तो यार ये कुछ तरीका रहा इसका ऑर्डर बुक करवाने का। जी मैंने एक बात करनी है छोटी सी। हाँ। यार मैंने देखा है एजाज भाई की पब्लिक बहुत लॉयल है। हाँ। तो मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता था कि मैंने एहसन भाई के कहने पे शुरू किया यूट्यूब, ठीक है, मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया, माशाल्लाह वो चैनल अच्छा चल रहा है, पर फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी लॉयल पब्लिक है, आप कितने अच्छे हैं इनके साथ, तो मुझे चाहिए इनसे शॉर्ट आउट। अच्छा देखो शॉर्ट आउट मैं आपको बिलाल दे देता हूँ। yes. लेकिन अब जो मेरी ऑडियंस है ना जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है मैं कहूंगा तो वो जो मैं कहूंगा वो कर लेंगे। yes. लेकिन देखो अब आपको शॉर्ट आउट चाहिए, आप मुझे कह रहे हो कि शॉर्ट आउट चाहिए, लेकिन शॉर्ट आउट के लिए आपको भी तो कुछ ऑडियंस के लिए करना पड़ेगा ना। क्यों मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, कमेंट करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि भाई अगर आपको मैं शॉर्ट आउट दूं तो मैं, मुझे तो आपको पता है कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए तो कुछ बनता है। चलें डन, ठीक है। ये जो भी आपने देखा हेडफोन्स का हमने रिव्यू दिया है, इनमें से दो हेडफोन्स कोई भी रैंडम दो हेडफोन्स हम करेंगे गिव अवे। ठीक है डन हो गया। डन हो गया। तो यार मजे की बात है कि बिलाल ने हमारे इस चैनल पे एक मतलब दो हेडफोन्स है ना, दो हेडफोन्स जो है ना वो आप लोगों के लिए गिव अवे किए हैं। जस्ट सिंपल इनका ऐसे करना है कि इनकी वीडियो पर जाना है, आपने इनकी वीडियो देखनी है, उसमें कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो उस बारे में बताना है कि बिलाल भाई आपने ये काम किया या ये किया है, और कमेंट कर देना है। तो मैं ऐसा करूंगा कि अपनी वीडियोस में से या बिलाल भाई की वीडियो में से एक, अपनी वीडियो में से एक, बिलाल भाई की वीडियो में से जो कमेंट है वो पिक करके फिर उसको जो है गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। yes. और बिलाल भाई जो है वो आप लोगों तक चीज पहुंचाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी क्योंकि आप बिलाल भाई ने होता है। तो रैंडम इन्होंने कहा कोई से भी हेडफोन्स जो है ना ये दो बंदों को गिव अवे करेंगे। और कमेंट्स भी जरूर करने हैं, कमेंट्स में आपने लव फ्रॉम एसएन भाई जरूर बोलना है, ठीक है। वो वैसे ही मुझसे वैसे ही लव करते हैं, वो मसला नहीं है। तो यार आपका इन हेडफोन्स के बारे में क्या ख्याल था मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और गिव अवे हम कब अनाउंस करेंगे ये भी बता दें।
जब मैं देखूंगा कि बिलाल भाई के सब्सक्राइबर्स एक लिमिट में अच्छे हो रहे, क्योंकि जितने कमेंट्स हैं उस हिसाब से सब्सक्राइब भी तो होने चाहिए ना। ये ना हो कि 10 सब्सक्राइब हुए तो फायदा नहीं है, या हम लोग लिमिट रख लेते हैं। इनके भी सब्सक्राइबर्स हैं 250, तो अगर 500 से ऊपर निकल गए ना तो हम गिव अवे अनाउंस कर देंगे। वो बेशक एक दिन में निकले या 10 दिन में निकले, वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन 500 से ऊपर सब्सक्राइब जो है वो जाने चाहिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाफिज।